इसे समझते हैं और मुलाकात करते हैं उरुसारशी से, जो कोलकाता पश्चिम बंगाल से हमारे बीच में आ तशरीफ लाई हैं। ना हिंदू से ना मुसलमान से, ना हिंदू से ना मुसलमान से, मेरी पहचान है हिंदुस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा ही मुमरा का मुशायरा ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे पूरा हिंदुस्तान जमा हो गया और ये डाइस इसकी पूरी जमानत है। हाजरीन महफिल, बिला तमहीद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि सितमगर की तबाही के लिए सामान होता है, सितमगर की तबाही के लिए सामान होता है, हमारा इत्तेहाद अब जंग का ऐलान होता है, हमारा इत्तेहाद अब जंग का ऐलान होता है। और बिखर जाएंगे तो छींटों की तरह होंगे दीवारों पर, बिखर जाएंगे तो छींटों की तरह होंगे दीवारों पर, यही कतरे इकट्ठा हो तो हिंदुस्तान होता है। बहुत शुक्रिया। और मेरी बहनें भी बैठी हैं, और जिस तरह योगी जी ने कहा कि औरतों को बाहर निकाल दिया गया और अपने कंबल में मर्द घुसे बैठे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि उनकी होम मिनिस्ट्री के लिए हमारी ये होम मिनिस्ट्री काफ़ी है, और इस होम मिनिस्ट्री से आपका डर पता चल रहा है। तो सुनिएगा कि दुनिया में मोहब्बत की तलबगार है औरत, दुनिया में मोहब्बत की तलबगार है औरत, नफरत का रास्ता हो तो दीवार है औरत, नफरत का रास्ता हो तो दीवार है औरत, और फूलों से भी नाजुक है अगर सर को झुका ले। मैं खुद ममता के यहाँ से बंगाल से आती हूँ। फूलों से भी नाजुक है अगर सर को झुका ले, उठे तो चमकती हुई तलवार है औरत। और यही तलवार यकीन जाने कि बीजेपी सरकार के ऊपर लटक रही है, और इसी से इनका सीना 56 इंच से 6 इंच का हो चुका है। एक बार जोरदार ताली बजाए हमारी बहनों के लिए। और यहाँ से हमेशा हिंदुस्तान में बाग का, जब भी जंग आज़ादी हुई है तो बाग का बड़ा रोल रहा है, और आज भी हमारे यहाँ शाहीन बाग एक मिसाल है। तो सुनिएगा। ए नारसी तो काले धुएं का चराग है, ए नारसी तो काले धुएं का चराग है, जमूरियत के माथे पे नफरत का दाग है, ये एकता है अहले मोहब्बत की एकता, ये एकता है अहले मोहब्बत की एकता, जिसकी मिसाल हिंद में शाहीन बाग है, जिसकी मिसाल हिंद में शाहीन बाग है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का। और सबसे काला साल तो हमारे लिए वो था जिसे हम 2014 कहते हैं। बिना किसी भाषण में मैं अपने चंद मिसरों में बताना चाहूँगी कि कैसे ये 2014 से लेके और NPR तक ये वक्त गुजरा है। कि कुर्सी मिली है जब से बवाल कर दिया। ओहो, ये आखिरी चार मिसरे हैं, इनको जरा सा अच्छे से सुन लीजिए, क्योंकि जाहिर है कि हर शायर के हिस्से में कम वक्त आ रहा, तो जरा सा सुन लीजिए भाई। कुर्सी मिली है जब से बवाल कर दिया, जीना गरीबों का बस मोहाल कर दिया, जीना गरीबों का बस मोहाल कर दिया, GST ने बस से बदतर हाल कर दिया, GST ने बस से बदतर हाल कर दिया, क्या नोटबंदी की है कि कंगाल कर दिया। और अभी तो महंगाई से संभले भी नहीं थे, अभी तो महंगाई से संभले भी नहीं थे, या मेरी बहनें बैठी है कि प्यास के मार से संभले भी नहीं थे, NRC ला के खून में उबाल कर दिया। बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के लिए चार लाइन दे के जाती हूँ, उसके बाद मैं आपकी जहमतें तमाम, के हौसला अपने इरादों के बढ़ाए रखना। आज 26 जनवरी है और उन तक ये बात पहुँचनी चाहिए। अभी तक BJP के नेता हमारे माए बेटियों के इस्मत पे हाथ डाल रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत गलती कर ली कि उन्होंने संविधान के आबरू पे हाथ डाल दिया। कि हौसला अपने इरादों के बढ़ाए रखना,
यकजहीती के चरागों को जलाए रखना, आबरू अपने संविधान की रखनी है हमें, आबरू अपने संविधान की रखनी है हमें, जान देना मगर इसको बचाए रखना। बहुत बहुत शुक्रिया।